के मैं कभी काम में भी नहीं सोच सकता था कि इन गलियों में मैंने सैयद अहमद पाशा खाजी साहब के साथ बहुत बार यहाँ पर उनकी गाड़ी चलाया, उनके साथ कई खाना किया है यहाँ पर, मगर मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा, मेरी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि सदर मोहतरम यहाँ से मुझे उम्मीदवार बनाएंगे। और एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के रुकन असेंबली 9.5 साल से जो है प्रकाश से मैंने आठवें रिकॉर्ड निकाला, इतनी फिलहाली के मुस्लिम बस्तियों में उन्होंने असेंबली हल्के में जलवा अफरोज है। और मैं यही बोलना चाह रहा हूँ सरकार के सबसे में बराबर राजेंद्र नगर असेंबली हल्के की सीट पे मंजिश का खतरा होगा और सदर मोहतरम की निगाह यहाँ से अपन ये फिरका परस्त को बढ़ा देंगे। ये फिरका परस्त मैं इलेक्शन का कोड है भाई, मैं दो दिन पहले सदर मोहतरम को बोला, रात में 12 बजे फोन करके बोला कि साहब ये फिरका परस्त एक अपनी इमारत है, वो इमारत को तोड़ना चाह रहा है साहब। ये असेंबली ये इलेक्शन का वक्त है और ये इलेक्शन के वक्त में वो बात बोलना नहीं चाहता। मैं सदर मोहतरम को उसके व्हाट्सएप भी करा, ये फिरका परस्त वो चीज वहां बनने नहीं दे रहा था। सदर मोहतरम मेरे को बोले किसी हालत पर वो काम होना, मैंने पूरा घोड़ा लगा दिया वहां पर लेके जाके मस्जिद के घोड़ा लगा दिया। मैं बोला अब कौन आके देख लीजिए बोल के रात रात सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम ठहर के वहां पर काम कराए। तो ये इसकी फिरका परसी है, ये दोहरा रवैया कर रहा है, उसके साथ चंद लोग अपने उसके जाल में फंसे। मेरे भाई जाल में मत फंसिए, मैं शमशाबाद के कई एरियों में गया भाई, मैं शमशाबाद में मिशन भगीरथ से अपने कब्रस्तान में लेके जाके वाटर टाइम का काम कर रहे थे। मरपल्ली में मुझे सदर मोहतरम ने आज से 1 साल पहले बोले रहमत, वहां से मुझे फोन आया आप सुबह फजर की नमाज के बाद जाइए। मैं वहां पर जाके देखा भाई, मैं रो लिया, वहां पे कब्र है, कब्रों को तोड़ के यही फिरका परस से मिले वहां पर टैंकी का खोद दिया है। और सदर मोहतरम को मैं जब भी बोला कि साहब ये ऐसी हरकत हुई यहाँ, बोले तो साहब बोले अभी मैं हरीश से बात करता हूँ, बोल के साहब लेटर दिए वहां पर। ऐसे कई उसके कारनामे है भाई, कई तरह से अपने लोगों को दबा रहा है, अपने अपने एरियो में डेवलपमेंट होने नहीं दे रहा है भाई। मैं खानापुर को गया, ये असेंबली एरिया शंकरपल्ली के करीब खानापुर की उठती आता है, वहां पर एक गरीब औरत है, गरीब औरत ने उसकी बेटी की शादी की है भाई, शादी मुबारक स्कीम में वो उसके घर